हेलो एवरीवन, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं ये पर्सनली मान के चलता हूं कि आप सभी लोगों को अब तक ये मालूम पड़ चुका होगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम क्या है। फिर भी मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये एक तरीका था जिससे कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पार्टीज को आप फंड कर सकते थे, लेकिन किसने फंड किया उस व्यक्ति या उस कॉर्पोरेट हाउस का नाम कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आता। इस स्कीम को 2018 के जनवरी के महीने में इंट्रोड्यूस किया जाता है बाई रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी, और बीजेपी के द्वारा ये प्रॉमिस किया जाता है कि अगर ये स्कीम इंट्रोड्यूस होता है तो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगा। कहने का मतलब है कि किस पॉलिटिकल पार्टी या पार्टीज को किसने कितना फंड किया, ये सारे जो जानकारी है वो पब्लिक डोमेन में आएगा। लेकिन इस स्कीम के आने के बाद ट्रांसपेरेंसी तो बहुत दूर की बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक वर्ड यूज करना पड़ा जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो स्कीम है वो कंप्लीट तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को स्क्रैप कर दिया। आज हम जानेंगे कि इस स्कीम के बारे में या फंडिंग के बारे में हमारे पास और क्या जानकारी है। ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कहने का मतलब है कि जब तक आप इसको खुद से नहीं पढ़ेंगे तो इसके बारे में जो क्लैरिटी है वो कभी भी डेवलप नहीं हो सकता है। मगर आगे बढ़ने से पहले, आपको मेरा एफर्ट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। ये आज का ही आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, जहां पे ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इस स्कीम का, जहां पे 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी को कुछ 1700 करोड़ का उनको फंड मिलते हैं, और इसी साल के लगभग जनवरी के महीने में बीजेपी को 202 करोड़ का इनको फंड ऑलरेडी मिल गया था। अब जब से ये स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था तब से लेके 15 फरवरी 2024 तक कुछ लगभग 5 साल होते हैं। इसी 5 साल में जो बॉन्ड्स इशू किए गए थे पॉलिटिकल पार्टीज को, उसका अगर आप टोटल अमाउंट जानेंगे तो वो था 12,769, और इसमें भी जो आधा अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जाता है। क्यों जाता है बीजेपी को? तो क्योंकि बीजेपी की सरकार है, इसलिए कोई भी कभी ये नहीं चाहेगा कि बीजेपी के साथ उनके रिलेशन खराब हो। खास करके जो फंडिंग्स होते हैं चुनाव में या पॉलिटिकल पार्टीज को, ये करोड़ों में फंडिंग्स होते हैं, तो किसी भी एक आम जनता के लिए ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पार्टीज को करोड़ों में चंदा दें। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को इतने बड़े बड़े फंड्स देते हैं, कहने की जरूरत नहीं कि उनका भी कुछ एक अपना स्वार्थ, उनका भी कुछ एक अपना इंटरेस्ट होता है। और उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने 232 पेज के जजमेंट में इस बात को वो माने हैं कि कोई भी कॉर्पोरेट हाउस आपको इतने बड़े बड़े फंड्स क्यों करेंगे। आप समझिए इस चीज को कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं तो आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो लगभग कुछ 5% होता है। तो जो इम्प्लॉई उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है उसको 5% का उसको इंक्रीमेंट मिलता है लगभग। वहीं पे सेम कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज को इतने बढ़ चढ़ के इनको फंड्स करते हैं। तो ये बात शायद समझाने की जरूरत नहीं है किसी को भी कि अगर कोई कहीं पे इतने बड़े बड़े अमाउंट दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो उसके भी कुछ अपने स्वार्थ है। और ये चीज ऑलरेडी रिपोर्ट में है भी कि किस तरीके से बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस हैं उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को फंड किया है। और इसके रिगार्डिंग मैं 2-3 वीडियोस और भी बनाऊंगा ताकि समझना और समझाना दोनों आसान रहे। पिछले साल नवंबर के महीने में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सब जगहों पे चुनाव हुए थे जहां पे जो बीजेपी सरकार है उनको बढ़ चढ़ के उनको फंड्स मिले थे। और इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से बीजेपी को अब तक लगभग 6,060 करोड़ का इनको फंड मिल गया है। और उसके बाद भी अगर कुछ स्पेसिफिक डेटा की अगर आप बात करें तो अप्रैल 2019 में बीजेपी को कुछ 1,056 करोड़ का इनको फंड मिला था। उसके बाद उसी साल के अप्रैल के महीने में इनको कुछ 714 करोड़ का इनको फंड मिला था। यानी कि अगर आप एक पैटर्न देखेंगे, पैटर्न समझेंगे, तो जो फंडिंग है वो ठीक चुनाव से पहले हो रहा है, क्योंकि चुनाव भारत में करना करवाना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। कार्यकर्ताओं को मैनेज करना, गाड़ियों को लाना, पेट्रोल, डीजल या और भी अलग अलग तरीकों का जो रिक्वायरमेंट होता है, उन सभी चीजों में पैसे लगते हैं। और वो पैसे कहाँ से आते हैं? तो जो कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं वो फंड करते हैं। फंड क्यों करते हैं कहने की जरूरत नहीं है। और इसी डेटा में बीजेपी के लिए कुछ 8,633 बॉन्ड्स इशू किए गए हैं। कहने का मतलब है कि इनको जो फंड मिले हैं, यानी कि जो इनको 6,060 करोड़ का जो इनको फंड मिला है, इस फंड को देने के लिए 8,000
2633 बॉन्ड्स को इशू किए गए हैं, और उसमें भी जो सबसे कम जो चंदा मिला था वो फरवरी 2020 को मिला था बीजेपी को, वो था 3 करोड़। जनवरी 2021 को मिला था 1.5 करोड़। दिसंबर 2023 को मिला था 1 करोड़ 30 लाख। कहने का मतलब है कि हर बॉन्ड्स के अपने अपने वैल्यू होते हैं, तो जो जो सबसे मिनिमम छोटा अमाउंट जो गवर्नमेंट को जो फंड मिले थे वो 3 करोड़ थे, 1.5 करोड़ थे और 1 करोड़ 30 लाख थे। तो आप समझिए कि कहीं पे भी लाखों में डोनेशन नहीं हो रहा है, सीधे स्टार्टिंग ही हो रहा है करोड़ों से। और उसके बाद 2022 में जो यूपी में इलेक्शन हुए थे या उत्तराखंड में हुए थे, पंजाब मणिपुर में हुए थे, उस वक्त भी पॉलिटिकल पार्टीज को और खास करके बीजेपी को बढ़ चढ़ के इनको फंड्स मिले थे। और एज एक्सपेक्टेड सभी लोगों को ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी सेकेंड नंबर पे होंगी क्योंकि ये पैन इंडिया पार्टी है, लेकिन जब ये डेटा रिलीज हुआ तो सभी कोई चौंक गए ये जान के कि तृणमूल कांग्रेस जो वेस्ट बंगाल की पार्टी है उनको 1421 करोड़ का इनको लगभग फंड मिला है, और इनफैक्ट जो कांग्रेस पार्टी है वो थर्ड नंबर पे है। कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप सत्ता में नहीं रहते हैं, गवर्नमेंट अगर आपका नहीं होता है, तो मैनेजमेंट या नियम कानून जो होते हैं वो आप नहीं बना सकते हैं। तो जब आप नियम कानून नहीं बना सकते हैं तो कोई आप में इंटरेस्टेड भी नहीं होता है, जो चीज किसी को भी बहुत ही साफ साफ तरीके से समझ में आ जाता है। तो अगली बार हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पार्टीज या किसी भी लीडर के बारे में अगर हम ये सोचे कि वो दिन रात काम करते रहते हैं और सिर्फ वो राष्ट्र निर्माण के पीछे ही परेशान है, तो आप अपने विचारों को एक बार सोचिएगा जरूर। जिस तरीके से इनको फंड्स मिलते हैं, इनका जो मेन लक्ष्य है वो सिर्फ यही रहता है इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कि वो किसी भी तरीके से सत्ता में अपने आप को वो बने रहना चाहते हैं, ताकि अगर वो सत्ता में रहें तो उनका जो इम्पोर्टेंस है, उनका जो रेलिवेंस है वो बरकरार रहे, और उसके बाद अगर कुछ वक्त मिल जाए तो जो कॉमन जनता है उनके लिए कुछ किया जा सके। एक सवाल आप पूछेगा अपने आप से जरूर कि पिछले बार किसी भी राज्य में या केंद्र में कब ऐसा हुआ था कि जो गवर्नमेंट जॉब है, सर्विसेज है, उसका जो वैकेंसी है वो रेगुलर निकाला गया था। ऑलमोस्ट सभी स्टेट में यही होता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। ये सवाल आप पूछिए अपने आप से कि क्या सच में ये संभव है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए और सरकार को इसके बारे में कानो कान खबर ना हो, या इन्वेस्टिगेशन को करते करते कम से कम 6 महीना का वक्त लग जाए ताकि इसी बीच जो कैंडिडेट्स हैं वो ओवर एज होके वो कॉम्पिटिशन से बाहर निकल जाए। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।